राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंजाब दौरे पर रहे। उन्होंने लुधियाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 111 दिन का चन्नी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। आप सब पर विश्वास कर इनको उम्मीदवार बनाया है। पंजाब में नशे का मुद्दा काफी बड़ा है। आपके सहयोग से नई सरकार इसे खत्म करेगी। पूरे देश में एक माहौल बना है कि दलित सीएम बन सकता है। उन्होंने आप पार्टी पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि पंजाब में यह पहली सीट है जहां मैं पैरवी करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि चरणजीत चन्नी साहब, जिनका आप मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो, उनके आने के बाद में काम और तेज गति से शुरू करवाएंगे और हमें हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम है लंबे समय से उसका हल हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के चन्नी साहब को घटनाक्रम आप सबको मालूम है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, उस वक्त तो वो नए थे क्योंकि मैं दलित वर्ग से आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बना के एक दलित भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजस्थान के अंदर भी इंदिरा गांधी जी ने जगन्नाथ पांडे साहब को मुख्यमंत्री बनाया था, चन्नी साहब बने हैं।